दीक्षा धामी मतलब पूजा और बुआ जी। तो आज का सिक्वेंस ये है कि धामी तो अब घर पे आ गई है, जो हमें नहीं चाहिए थी वैसी बहू अब घर पे आई है। तो बाकी तो सब जो कुछ हो सका हमने किया, रोना धोना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, पर क्या करें, सब कुछ कर डाला। अब वो आ तो गई है पर आज उसकी है मुंह दिखाई। तो अब जो आई है वो तो आई है, लेकिन उसको हम कैसे टॉर्चर करें, कैसे तंग करें, मुंह दिखाई इसकी इतनी खतरनाक कर दे कि जो हम नहीं कर पाए वो खुद ही कर ले, मतलब घर छोड़ के चली जाए। तो आज की मुंह दिखाई ऐसी होगी जो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, है ना बुआ? तो बुआ बताएंगी कि और क्या मतलब तड़के लगेंगे, क्या क्या आग लगेगी। बुआ जी क्या कहेंगी? मेरा नाम मीना मीर है और मैं काम कर रही हूँ उनकी बुआ, इनकी ननद हूँ मैं शो में। तो बाकी मुँह दिखाई की रस्म को लेकर उर्वशी जी ने बोल ही दिया है बहुत सारा। तो यही है कि हम चाहते हैं वो खुद हमारा घर छोड़ के चली जाए, क्योंकि हमें पसंद नहीं है वो, उसकी बहन हमें पसंद थी। तो हमने बहुत सारे अपने गैंग को बुलाया है, महिला गैंग है, जो फीमेल गैंग है हमारी, और सबको एक एक काम बता दिया कि उसको तंग कैसे करना है। तो अमूमन जो सास बहू का रिश्ता होता है, जो चलन में चला आ रहा है, सास थोड़ी सख्त होती है, बहू थोड़ी ऐसी होती है, पर धानी ऐसी नहीं है। धानी अपने लिए बोलती है, खड़ी होती है, बात करती है। तो अभी भी वही झगड़ा चल रहा है जो डे वन से चल रहा था, कि धानी नहीं चाहिए और धानी घर आ गई। तो अभी डांस देखा गया, धानी को रोते हुए देखा गया। हाँ, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि नाचो, झाड़ू लगा के दिखाओ, खाना में वो ऐसा कि मुँह दिखाई ऐसी होती नहीं है ना। मुँह दिखाई तो बड़ी रिस्पेक्ट से और प्यार से सब शगुन डालते हैं, पर यहाँ शगुन की जगह उसको ताने दे रहे हैं, उसे उठ पटांग कोई भी काम करा रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, बट इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग में मैं इनके साथ नहीं हूँ। बेचारी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मुझे अपने बारे में बताएगी कि क्यों नहीं है साथ। हाँ, क्योंकि मैं धानी की तरफ हूँ, मतलब बुआ जी और मम्मी की साइड भी हूँ। थोड़ा होल्ड कर। हाय, तो आई एम दीक्षा धामी और जो मेरा करेक्टर है वो पूजा का है, जो कि इस घर की बहू लाडली बहू है। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि धानी इज़ अ नाइस गर्ल, गलती से चलो बेचारी की शादी होगी, बट मम्मी जी और बुआ जी का ये टारगेट है कि घर से बाहर निकालना है। बट आई एम ओके, पर मुझे दुख है कि बेचारी के साथ इतना बुरा क्यों। तो मेरा जो कैरेक्टर है सबके साथ इक्वली है, पोस्टनली है, तो मुझे बुरा भी लग रहा है कि धानी बेचारी के साथ ऐसा हो। आज रात से यूट्यूब पे प्रसारित होने जा रहा है पहली बार, क्या कहना है, कितनी खुशी है, कितनी उत्साह है? बहुत खुशी है, बहुत उत्साह, उससे ज़्यादा इसलिए एक्साइटमेंट है कि हम अपना शो खुद देख पाएंगे। बिकॉज एक बार निकल जाता है टाइमिंग स्लॉट तो हमें खुद मौका नहीं मिलता था अपना शो देखने का। तो वी आर वेरी हैप्पी, अब कोई भी हर जगह इजीली देख सकता है शो को, है ना। क्या कहेंगे वो आप इसके बारे में, यूट्यूब पे जो प्रसारित हो रहा है? यूट्यूब पे जो प्रसारित हो रहा है वाकई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो हमारा मिस हो जाता था, क्योंकि नाइन ये इतना अच्छा स्लॉट मिला है हमें, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग काम में बिजी होते हैं। हम शूट से निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 10 बज जाते हैं, तो हम कभी भी कसम से आपको बताएं कि जो जो हम मुश्किल से देख पाए हैं वो देख पाए हैं। लेकिन अब हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम हमारा शो देख पाएंगे कभी भी कहीं पर भी, जहाँ पे मौका मिला। और ये वाकई सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों को हमारा शो नहीं देख पाएंगे, मिस हो गया, या तो पुराने एपिसोड दोबारा देखने का मन किया, तो ये सारे एपिसोड एक साथ यूट्यूब पे कल प्रसारित होंगे। तो ये वाकई बहुत खुशी की बात है। बाकी वो आप बताएंगे, हम गांव के हैं, मैं अगर आपके दर्शकों में काफी फेमस होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनकी? सॉरी, दर्शकों में रंग गांव के रंग में काफी होते जा रहा है, इसे काफी पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हम तो खुश हैं, हमारा शो सब देखें, पसंद करें। हम लोग जो भी कलाकार जितनी मेहनत करते हैं, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जो लोग हैं, तो उनकी तो मेहनत वसूल है। अगर लोग शो से जुड़ते हैं, हमारी टीआरपी पिछले हफ्ते से इस बार 1 पॉइंट ऊपर भी गई है, तो आई विश कि हमारी टीआरपी आगे जाए और यूट्यूब पे भी लोग हमारा शो देखेंगे, तो और ऑडियंस हमारी तरफ जुड़ती जाएगी, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, एक क्लिक पे हमारा शो देख सकते हैं। और शो अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि हमारा शो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, शो वाकई बहुत अच्छा है। और नहीं, सच में अच्छा है, क्योंकि मैं दंगल के बाकी शो भी तब से फॉलो कर रही हूँ जब से मैं ये शो कर रही हूँ। और आई थिंक हमारा तो पहला शो है जो यूट्यूब में, हमारे शो से दंगल का पहला शो है जो यूट्यूब में आया, सो वी आर वेरी हैप्पी। वही बता रहा है कि हमारी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है, प्लस इसकी कहानी बहुत अच्छी है, ऐसी कहानी है जो सबको छोड़ देती है, कहीं ना कहीं सबको झोड़ देती है। मम्मी और बुआ जी से प्रॉपर डांट मिल रही है कि हाँ मामी तुम्हारी नई सहेली, लेट्स सी इस चीज़ को। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं।